नमस्कार, मैं पूर्णिमा, द फेस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। खबर बलिया जनपद से है, जहां बलिया में आज बीजेपी सांसद और पूर्व फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बलिया के एससी कॉलेज के प्रांगण में हेमा मालिनी ने बलिया सदर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी दया शंकर सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान हेमा मालिनी ने सोले की बसंती बनकर जनता का समर्थन मांगा। हेमा मालिनी ने कहा कि चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, दया शंकर को जरूर जिताना है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि दया शंकर सिंह को इतने वोटों से जिताओ कि मुंबई में मुझे मालूम चल जाए। हेमा मालिनी ने यूक्रेन और रूस में हो रहे युद्ध को लेकर भी बड़ा बयान दिया। हेमा मालिनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को इतना आगे ले गए हैं कि पूरा विश्व देख रहा है, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इस बीच मोदी जी उस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व के जितने भी लीडर हैं, वह चाहते हैं कि मोदी जी आगे आकर कहें कि इस युद्ध को रोको, खत्म करो, विश्व इतना सम्मान दे रहा है उन्हें। मोदी जी पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री है। हेमा मालिनी ने आगे कहा कि बलिया में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए। दया शंकर सिंह से कहा कि आप बनवा दीजिएगा। साथ ही कहा कि 300 की सीट हमारी पक्की है और हमारी सरकार भी पक्की है। 2017 में पहले यूपी में गुंडागर्दी कैसे चल रहा था, यह सबने देखा है। उसके बाद हवाई मार्ग से रसड़ा पहुंचकर उन्होंने गांधी पार्क में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रसड़ा विधानसभा के प्रत्याशी बब्बन राजभर को जिताने के लिए जनता से अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 साल के अंदर पूरा देश को इतना ऐसा आगे लेकर गए हैं कि पूरा विश्व देखता रह गया है। वो इतना महागुरु जो बोल रहे हैं बनने वाला है, उसका पूरा लक्षण अभी दिख रहा है। अभी रशिया और यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है ना, मालूम है आपको, ने बीच में जाकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाकर कहें कि इस वॉर को खत्म करो, बस करो, रोको। मतलब इतना सम्मान दे रहे हैं पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे एक प्रधानमंत्री हमारे हैं, जिनके हाथ में आज पूरा देश है और हर क्षेत्र में हर जगह विकास हो रही है। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, हर जगह एयरपोर्ट बन रहा है अभी, है कि नहीं? अभी बलिया में भी शायद आप विधायक बनने के बाद एक अटलीस्ट एक छोटा सा एक एयरपोर्ट बनना चाहिए, आप बना दीजिए। करेंगे इसके अलावा कि 300 सीट हमारी पक्की है, ऊपर ऊपर पक्की है कि नहीं? आपको मालूम है कितने गुंडागर्दी कैसे चल रहा था पूरा उत्तर प्रदेश। लोग, मैं जब बाहर गांव विदेश जाती हूँ तो लोग बोलते हैं, ओ उत्तर प्रदेश, नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं, उधर जाना ही नहीं, उनको डर लगता था। और जब हम कहते थे बड़े बड़े उद्योगपति से कि आप यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग लगाइए, बहुत बड़े बड़े कारखाने लगाइए, ताकि बहुत रोजगार मिल सकती है नौजवान लोगों को, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वहाँ पर तो जाना तो हम तो मौत को इन्वाइट कर रहे हैं, इतना इतना डर बैठा हुआ था ना जी, 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 जी। इतने डर, भय, भूख, ऐसी स्थिति थी। उसको योगी जी ने जैसे आए, जैसे वो मुख्यमंत्री बने, उसको सब खत्म किया। आपकी बसंती एक छोटा सा डायलॉग बताएगी, चल छन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, दया शंकर जी को जरूर जिताओ आप लोग। धन्यवाद भैया, मैं चाहती हूँ कि आप दया शंकर को इतने वोटों से जिताए कि मुझे मुंबई में बैठे मुझे मालूम पड़ना चाहिए। आप सबने मेरा समर्थन दिया है कि नहीं? तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, आपकी बसंती एक छोटा सा डायलॉग होता है, चल खन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, दया शंकर जी को जरूर जिताओ आप लोग।